पहला प्रश्न, मनुष्य की वस्तुतः अंतिम खोज क्या है? अपनी ही खोज, अपने से ही पहचान। मनुष्य अकेला है सृष्टि में जिसे स्वबोध है, जिसे इस बात का होश है कि मैं हूं। पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं तो जरूर, लेकिन अपने होने का उन्हें कोई बोध नहीं। होने का बोध नहीं है, इसलिए दूसरा प्रश्न असंभव उठना कि मैं कौन हूं। मनुष्य अकेला है जिसे इस बात का बोध है कि मैं हूं, अनिवार्य रूपेण दूसरा प्रश्न उठेगा कि मैं हूं कौन, हूं सच पर कौन हूं। और जिसके जीवन में यह दूसरा प्रश्न नहीं उठा, वह पशु तो नहीं है, मनुष्य भी नहीं, कहीं बीच में अटका रह गया, घर का न घाट का। उसके जीवन में पशु की शांति भी नहीं होगी और उसके जीवन में परमात्मा की शांति भी नहीं होगी। वैसा आदमी बीच में त्रिशंकु की तरह अटका, सदा अशांत होगा। पशु शांत है, चिंतित नहीं, बेचैन नहीं। चिंता और बेचैनी के लिए जितना बोध चाहिए उतना बोध नहीं। मूर्छा में जिए जाते, बेहोशी में जिए जाते। एक तरह की शांति है, एक तरह का सन्नाटा है, एक तरह की मस्ती है। मूर्छित है, सुंदर है फिर भी। इसलिए प्रकृति के निकट जाओ, सौंदर्य की अनुभूति होती। प्रकृति के पास आओ, सब शांत हो जाता है। मनुष्य के पास आओ, बेचैनी बढ़ जाती। आदमी की भीड़ में खड़े हो जाओ, थक जाते हो। कुछ ना करो तो थक जाते हो। भीड़ से घर लौट के बहुत बार देखा है या नहीं, कुछ गंवा के लौटते हो, जैसे कुछ छीन लिया गया, जैसे लुट गए, जैसे विश्राम की जरूरत आ गई है, थके मांदे टूटे हुए। आदमी इतना बेचैन है कि उसकी बेचैनी की तरंगें तुम्हारे चित्त को भी तरंगित कर जाती, और चारों तरफ भीड़ हो बेचैन लोगों की, तो कैसे अपने को बचा के आ सकोगे? महावीर या बुद्ध समाज को छोड़ के जंगल चले गए थे, उसके पीछे और कोई कारण नहीं था। अशांत लोगों की भीड़ में, बीमार लोगों की भीड़ में, विक्षिप्त लोगों की भीड़ में सार क्या है? जंगल में वृक्षों से दोस्ती बना ली, पशु पक्षियों से नाता जोड़ा, आदमी से नाता तोड़ा। जरा सोचो, आदमी का कितना बड़ा अपमान हुआ है उसमें। ख्याल करो, पशु पक्षी जीत गए तुमसे, पौधे पहाड़ जीत गए। महावीर को उन्होंने बेचैनी ना दी, न बुद्ध को परेशान किया। तुम्हारे बीच खड़ा होना मुश्किल हो गया था। पशु पौधे के जीवन में एक आनंद मग्नता है, मूर्छित। फिर बुद्धों के जीवन में, सिद्धों के जीवन में एक आनंद मग्नता है, सचेत, जागरूक। एक मस्ती वहां भी है, पर उस मस्ती में बोध का दिया जलता है। उतना ही भेद है प्रकृति और परमात्मा में, उतना ही भेद है। प्रकृति यानी सोया हुआ परमात्मा, परमात्मा यानी जाग गई प्रकृति, बस उतना भेद है। जो दोनों के बीच में है उसकी परेशानी समझो, वहीं तुम हो, वहीं सब है। वो जो बीच में अटका हुआ आदमी है, न सीढ़ी के इस पार न सीढ़ी के उस पार, न इस किनारे न उस किनारे, मझधार में जिसकी नाव अटक गई है, जो दोनों तरफ खिंच रहा है, एक मन कहता है लौट चलो पीछे, फिर हो जाओ पशु जैसे। इसलिए तो दुनिया में इतनी हिंसा है। वो एक मन कहता है लौट चलो पीछे, हो जाओ पशु जैसे। हिंसा में इतना रस क्या है?
अगर रास्ते पे दो आदमी लड़ते हो तुम हजार काम छोड़ के साइकिल किनारे टिका के खड़े होकर देखने लगते हो। इतना रस क्या है? दो आदमी लड़ रहे हैं, तुम्हें क्या मिलेगा? मगर बड़ी उत्सुकता जग जाती। हिंसा में एक रस है, तुम ना भी करो दूसरा कर रहा है तो भी देखने का मजा है। चले पशु के जगत में, लौट चले पशु की दुनिया में, गिरने लगे आदमी के तल से नीचे। और कभी तुमने देखा घड़ी भर खड़े रहो, झगड़ा चलता रहे, गाली गलौज हो लेकिन मारपीट ना हो, या कोई बीच बचाव पड़ जाए, या पुलिस का आदमी बीच में आ जाए, या उन दोनों को कुछ बुद्धि आ जाए, तो तुम कुछ उदास से लौटते हो कि कुछ होना था जो नहीं हुआ, सब मजा किरकिरा हो गया। फिल्म देखने तुम जाते हो, अगर हिंसा ना हो फिल्म में, मारकाट ना हो, हत्या ना हो, कामवासना के उद्दाम वेग ना उठे, तो तुमने जाओगे ही नहीं। जितनी कामवासना के उद्दाम वेग हो, जितनी हत्या हो, जितनी हिंसा हो, चोरी हो, डकैती हो, उतनी फिल्म तुम्हें आकर्षित करती। ये पशु के जगत में लौटने की इच्छाएं। या फिर कभी तुम शराब पी लेते हो, शराब पी के तुम क्या कर रहे हो? तुम इतना ही कह रहे हो कि थोड़ा सा जो होश है, हे प्रभु इसे हमसे ले लो, ये होश हमसे नहीं संभाला जाता, हमें बेहोश कर दो, हमें लौटा दो वापस, ये पुराना किनारा तुम्हें खींच रहा है। लेकिन तुम कुछ भी उपाय करो, तुम पशु हो नहीं सकते। अतीत में लौटने की कोई संभावना नहीं है, पीछे यात्रा होती ही नहीं। जवान कितना ही सोचे कि मैं बच्चा हो जाऊं, अब नहीं हो सकता, और बूढ़ा कितना ही सोचे कि मैं जवान हो जाऊं, अब नहीं हो सकता, मुर्दा कितना ही सोचे कि अब मैं जी जाऊं, अब नहीं हो सकता, पीछे लौटना होता ही नहीं। जहां से हम गुजर चुके गुजर चुके, अब वहां जाना कभी नहीं होगा, लेकिन आकांक्षा बनी रहती। इसलिए तो लोग जवान भी हो जाते, बूढ़े भी हो जाते, तो भी बचपन के गीत गाते, कहते हैं आहा कैसे सुंदर दिन थे वे। यह बात मूर्तापूर्ण है। मूर्तापूर्ण इसलिए है कि अगर बचपन सुंदर था तो फिर शेष जीवन तुम क्या करते रहे? उस सौंदर्य को निखारा नहीं, सौंदर्य को संवारा नहीं, उस सौंदर्य को नए नए आयाम, नई ऊंचाइयां नहीं थी, तो तुम करते क्या रहे जिंदगी भर? लोग कहते हैं बचपन में कैसा सुख था, तो शेष समय तुमने क्या किया? सुख की संपदा लेकर आए थे, उसको बढ़ाना था, कुछ और सुख कमाना था, उस सुख को और सूक्ष्म बनाना था, वह तो कुछ किया नहीं, उल्टे उसे गमा बैठे। तो पीछे की आकांक्षा बनी रहती, फिर बच्चे हो जाएं, फिर वैसे ही दिन हो। इसलिए लोग अतीत का स्मरण करते रहते कि कैसे प्यारे दिन थे जो बीत गए। बीते दिन सदा प्यारे मालूम होते, सोने के मालूम होते, रामराज्य था, सतयुग था। लोग बैठ के चर्चा करते हैं बीते दिनों की, ये पीछे लौटने की आकांक्षा है। शराबी भी वही कर रहा है, जरा स्थूल ढंग से कर रहा है। वो ये कहता है कि हमसे तो नहीं होता लौटना, लेकिन शराब के सहारे लौट जाऊंगा, पी लूंगा शराब, भूल जाऊंगा आदमियत, भूल जाऊंगा आदमियत की चिंता, खोज, परेशानी, भूल जाऊंगा सारे उपद्रव, जाल, लौट जाऊंगा वापस, गिर पड़ूंगा नाली में, हो जाऊंगा पत्थर की भांति या वृक्ष की भांति या पौधों की भांति, जी लूंगा थोड़ी देर प्रकृति को, लेकिन वापस लौटना पड़ेगा। शराब थोड़ी बहुत देर के लिए बेहोश कर दे, फिर होश में आना पड़ेगा। थोड़ी बहुत देर के लिए भुलावा हो सकता है, वस्तुतः यथार्थ स्थिति नहीं बदलती, फिर वापस वही मझधार में। आदमी की असली खोज इसलिए एक ही है कि उस पार कैसे पहुंचूं। एक बात का मुझे पता है कि मैं हूं, अब मुझे दूसरी बात का पता कैसे हो जाए कि मैं कौन हूं? उस दूसरी बात के पते में ही सारे धर्मों का जन्म हुआ है, उस दूसरी खोज से ही। मैं कौन हूं का उत्तर मिल जाए तो सब मिल गया, क्योंकि उस उत्तर में ही परमात्मा का अनुभव हो जाता। तुम परमात्मा हो, तत्वमसि,
तुम स्वयं ब्रह्म हो, सोए हुए, भटके हुए, भ्रांत, अपने से अपरिचित, बाहर बाहर दौड़ते रहे हो, भीतर जानने का मार्ग भूल गया, या द्वार दरवाजे इतने दिन से नहीं खोले हैं कि जंग खा गए, या चाबियां खो गई, ताले खुलते नहीं, या भीतर इतना अंधकार हो गया है क्योंकि न मालूम कितनी सदियों से तुमने दिया नहीं जलाया वहां, कि अब भीतर जाने में डर लगता है। मैं कौन हूं यह मनुष्य का एकमात्र प्रश्न है, यही उसकी एकमात्र खोज। इसी खोज से फिर आनंद के झरने बहते। यह खोज जिस दिन पूरी हो जाती है उस दिन तुम्हें वह सब मिल जाता है जो पशुओं को है, वृक्षों को है, चांतारों को है, और साथ में कुछ और मिल जाता है जो उनके पास नहीं। साथ में प्रकाश मिल जाता है, साथ में होश मिल जाता है। इसलिए इस अवस्था को हमने बुद्धत्व कहा है, बोध मिल जाता है। बुद्ध भी उसी आनंद में है जिसमें प्रकृति लवलीन है, लेकिन प्रकृति मूर्छित है, बुद्ध होश से भरे, और होश का आनंद गुणात्मक रूप से भिन्न हो जाता है। तुम्हें कोई क्लोरोफॉर्म दे दे और फिर स्ट्रेचर पे तुम्हें बगीचे में ले जाया जाए, घुमाया जाए, हवाएं आएंगी ताजी, पक्षियों के गीत भी उठेंगे, शायद दूर मूर्छा में दबे हुए कहीं कहीं कुछ स्वर सुनाई भी पड़ेंगे, टूटे फूटे, फूलों की गंध आएगी, नासापुटों को छुएगी, शायद थोड़ी सी याद भी सरकती हुई भीतर पहुंच जाएगी। हालांकि तुम बगीचे से ले जाया जा रहे हो, लेकिन ये भी कोई ले जाना हुआ। फिर तुम एक दिन होश से बगीचे में आओ, वृक्षों के साथ नाचो, पक्षियों के साथ गीत गाओ, फूलों से दोस्ती करो, नासापुट तुम्हारे सुगंध से भरे, ताजी हवा तुम्हें डुलाए, तुम मगन होकर नाचो उस बगीचे में, वे शीतल हवाएं तुम्हारे तन मन को शीतल करें। इसमें और पुरानी यात्रा में फर्क होगा या नहीं? स्ट्रेचर पर लाए गए थे, क्लोरोफॉर्म दिया हुआ था, गुजरे यहीं से थे, मगर अब जो गुजर रहे हो होश से भर के, इसमें उसमें कुछ भेद है। स्थान एक है लेकिन स्थिति भिन्न है। इसलिए पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में कहा है, सुसुप्ति और समाधि में थोड़ा सा ही भेद है। दोनों ही अवस्थाओं में आदमी परमात्मा में लीन होता है। तुम रोज अपनी गहरी सुसुप्ति में परमात्मा में लीन हो जाते हो, इसलिए तो सुसुप्ति तुम्हें ताजा कर जाती, मूल स्रोत से जुड़ गए, एक डुबकी मार ली परमात्मा में। यद्यपि बेहोश है डुबकी, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन सुबह जिस दिन रात गहरी नींद आ गई हो, स्वप्न रहित निद्रा आ गई हो, उठ के तुम कहते हो बड़ा आनंद, बड़ी ताजगी, बड़ी जीवंतता, पुनर्जीवित हुए जैसे। सब थकान गई, सब हारापन गया, सब दुख गया, जैसे फिर से तुम नए होकर लौट आए हो। कौन कर